आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, हाँ, मैं ये बता रहा था आप लोगों को, जरा दोबारा सुने, कि आईपी तो हमारे तरीके से उसने निकाला जैसे हमने निकाला था, तो हमारा भी यही आया था ना, 0.23 मिली एम्स। बोले तो जी सर, वही कह रहा है कि देखो 0.23 मिली एम बेस करंट है, तो उसने कहा कि अगर कलेक्टर करंट बीटा के फॉर्मूले से निकालो, यानी एक्टिव मोड लेकर, तो बीटा के फॉर्मूले से निकालोगे तो वो ये आएगा 11.5 मिली एम्स। हमारा भी यही आया था, आई थिंक, याद है? यस सर। तो वही कह रहा है कि यार ये जो करंट आ रहा है, ये तो करंट सेचुरेशन से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं? आ रहा है ना? जी जी सर। तो वो ये कह रहा है कि जो सेचुरेशन करंट इतना है, तो आपको पता है ना, सेचुरेशन का मतलब ये होता है कि जब एक दफा करंट सेचुरेट कर जाता है तो उसकी वैल्यू मजीद नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब ये कि 9.8 मिली एम्पियर इसका सेचुरेशन करंट है, इसका ना 9.8 से तो ऊपर जा ही नहीं सकता करंट, नामुमकिन बात है। जबकि ये कह रहा है कि अगर एक्टिव मोड होता तो करंट 11.5 तक चला जाता, तो इसका मतलब ये कि एक्टिव मोड में है ही नहीं, क्योंकि इतना करंट जा ही नहीं सकता। देखिए वो क्या कह रहा है, दिस शोज दैट विद द स्पेसिफाइड बीटा दिस बेस करंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आईसी ग्रेटर देन आईसी सेट, देयरफॉर द ट्रांजिस्टर इज सैचुरेटेड, यानी आईसी सेट से ऊपर है, इसका मतलब वो पहले ही सैचुरेट हो चुका है। एंड द कलेक्टर करंट वैल्यू 11.5 मिली इज नेवर रीच्ड, ये कभी नहीं आ सकती क्योंकि सैचुरेट कर जाएगा ना 9.8 पर, तो वो तो 10 पर नहीं जाएगा, तो 11 कहां से आ सकती है, 11.5। इफ यू फर्दर इंक्रीज आई बी द कलेक्टर करंट रिमेन्स एट इट्स सैचुरेशन वैल्यू ऑफ 9.8, इसका मतलब कि बीटा वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कह रहा है अगर मजीद भी आईबी को मैं बढ़ा दूं, करंट की वैल्यू इससे मजीद नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब बीटा का रिलेशनशिप यहाँ पर डिस ओबे हो गया, इसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसिस्टर किसमें होगा, सैचुरेशन में होगा, ये इसने नतीजा निकाल लिया। तो ये मेथड है स्पेसिफिक इस सवाल के लिए, ठीक है, जो हमने ये क्वेश्चन देखा, और जो मैंने तरीका किया वो जनरल मेथड था जो कि हर जगह इस्तेमाल हो सकता है हर सवाल में, तो दोनों मेथड से नतीजा एक ही निकल रहा है। बात समझ में आ गई सबको? इसमें कोई सवाल? आगे चलूं? हाँ सर, प्लीज सर। सर, अगर हमने ये अजम्पशन ली थी कि एक्टिव मोड होगा, तो अगर वहीं प्रूव हो जाता ये, मतलब 0.2 से लेस आता, मतलब ग्रेटर या जो ग्रेटर आ जाती वैल्यू, तो यानी एक्टिव मोड होता, तो उसके बाद भाई, ये प्रोसीजर नहीं करते? अगर आप अजम्पशन ली थी, अगर आपका अजम्पशन आप आखिर में चेक कर रहे हैं, अगर आपकी अजम्पशन दुरुस्त निकली है, तो जो कुछ आपने फाइंड आउट किया होगा उस अजम्पशन के नतीजे में वो सारा सही होगा, तो वैल्यूज आपकी फाइंड आउट हो गई। और अगर आपकी अजम्पशन गलत है, और अगर आपकी अजम्पशन गलत है, तो आपने जो कुछ अजम्पशन के बाद फाइंड आउट किया है वो गलत हो जाएगा, फिर आपको नए सिरे से करना पड़ेगा, तो हमने वही काम किया, ठीक है? अच्छा, ठीक। हमेशा ऐसे होता है यार, जब अज्यूम करके कोई काम करो तो अजम्पशन को चेक करो, जैसे हम आइडियल डायोड में कर रहे थे, अगर अजम्पशन सही है तो काम ठीक है, गलत है तो उल्टा कर लो काम, खत्म। सही है? जी जी, ओके ओके ओके। इसके बाद देखें ट्रांसिस्टर एज अ स्विच, ये मैं करवा चुका आपको कल के क्लास में, नॉट गेट वाले क्लास में, कि अगर आप जीरो देंगे तो ये स्विच ओपन हो जाएगा और सारा वोल्टेज यहीं अपेयर हो जाएगा, तो ये जीरो देंगे तो लॉजिक वन आ जाएगी, ये इन्वर्टर बन रहा है कट ऑफ के अंदर, कट ऑफ पे ओपन हो रहा है ना, और अगर सेचुरेट करता हूँ तो यहाँ पर हाई देता हूँ जिसकी वजह से स्विच क्लोज हो जाता है, तो आउटपुट जो हम यहाँ ले रहे हैं वहां पर जीरो वोल्ट आ जाएगा, तो वन देने से जीरो आ रहा है, तो ये दोनों क्या बन रहे हैं स्विचिंग के अंदर, इन्वर्टर्स। क्लियर? यस ओके। ये इनकी कंडीशन दी हुई है बस, ठीक है, आगे चलते हैं। ये वो थी एप्लीकेशन जो मैंने कहा था आप लैब में खुद भी बना सकते हैं। इसमें उसने क्या दिखाया, एक रेजिस्टर है, एक एलईडी लगा दी, एक ट्रांसिस्टर लगा दिया, रेजिस्टर लगा दिया और पल्स ट्रेन दे दी। तो पल्स ट्रेन में जब ये वाली पल्स आएगी, लोअर पल्स, तो ये कट ऑफ में चला जाएगा, ये कट ऑफ में जाएगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा वोल्टेज यहाँ पे हाई आ रहा होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो जब करंट ही नहीं होगा तो एलईडी बंद हो जाएगी, और जब हाई आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब आउटपुट जो कलेक्टर पे लेते हैं वो जीरो हो जाएगा, मगर करंट चूंकि फ्लो करेगा एलईडी ऑन हो जाएगी, तो इसका मतलब ये कि जब हाई आएगा तो एलईडी ऑन होगी, जब लो आएगा तो एलईडी ऑफ होगी, तो ब्लिंक कर रही होगी एलईडी। तो अब इसकी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इसकी ब्लिंकिंग की फ्रिक्वेंसी, जितना यहाँ पर तेज करेंगे पल्स ट्रेन को उतनी ब्लिंकिंग तेज हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो ये मैंने कहा था आप बाय योर सेल्फ लैब में ट्राई कर सकते हैं, तो बनाइएगा जरूर इसको, देख लीजिएगा बना के। क्लियर बात? ठीक है जी सर। ये देखिए, ये है हमारा एक ग्राफ, ये किसके अक्रॉस है, आउटपुट वर्सेस इनपुट, चेक करें आप, आउटपुट वर्सेस बोले इनपुट, इनपुट इसको कहते हैं ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक कर्व, लिख लीजिए
हमने पहले जो पढ़ा था वो कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व था, ये ट्रांसफर है। याद रखें जब भी आउटपुट इनपुट का रिलेशनशिप होता है तो उसको ट्रांसफर बोलते हैं, चाहे वो ट्रांसफर फंक्शन हो। आगे चल के आप ट्रांसफर फंक्शन बहुत सारे पढ़ेंगे। वो नॉर्मली ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट ओवर इनपुट। तो आउटपुट और इनपुट का ताल्लुक ट्रांसफर कहलाता है, क्योंकि इनपुट से आउटपुट की तरफ आप ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है। सही है? तो जरा देखें, जब इनपुट कम है तो आउटपुट हाई है, जब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है। तो ये कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन हुआ ट्रांसिस्टर का? स्टेप अप। कौन सा हुआ बोले? सैचुरेशन हुआ। यार कट ऑफ हुआ ना, सैचुरेशन कैसे हुआ भाई? जब इनपुट लो था, जब इनपुट लो था तो ट्रांसिस्टर का स्विच ऑफ नहीं हो जाएगा? यस सर। और जब स्विच ऑफ होगा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। नॉट गेट इन्वर्टर बना रहे थे ना हम लोग, याद करें, अभी तो बताया है। तो जब कट ऑफ में जाएगा तो स्विच ओपन हो जाएगा, स्विच ओपन होगा तो आउटपुट पे पूरा पूरा सप्लाई आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना? यस सर। और जब इनपुट हाई होगा तो स्विच ऑन हो जाएगा क्लोज, और आउटपुट पे जीरो आ जाएगा, यानी के लोअर वोल्टेज। तो ये सैचुरेशन है आपका। तो ये इन्वर्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलिए सर। जीरो तो नहीं आया। दोबारा बोले, क्या कह रहे हैं? जीरो क्या? जीरो तो नहीं आया ये यार। तो जीरो इसलिए नहीं आया ना कि ट्रांसिस्टर जो है वो आइडियली शॉर्ट होता है ना। प्रैक्टिकली तो आपने पढ़ा नहीं सैचुरेशन में रेजिस्टर आता है? जी सर। तो थोड़ा तो जीरो से ऊपर ही होगा ना यार। मतलब ये प्रैक्टिकल का है ये ग्राफ। यार प्रैक्टिकल को छोड़ो, तो समझाने के लिए हाई लो बस ये देखो ना। जीरो को छोड़ दो, हाई है लो है भाई। जब इनपुट लो था तो आउटपुट हाई था। इधर भी तो कोई वैल्यू नहीं बता रहे ना आपको, वैल्यू थोड़ी बता रहे हैं। और इधर जब इनपुट लो हो गया, सॉरी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट लो हो गया, दैट्स इट। सही है। अच्छा बीच में क्या है? एक्टिव रीजन, क्योंकि आउटपुट से गिर रहा है नीचे तक। गिर रहा है कि नहीं गिर रहा? जी। इसीलिए इसको लीनियर रीजन कहते हैं। ये है वो जवाब जो मैंने आपको कहा था, आपको मैं बाद में दूंगा। ये लीनियर रीजन इस वजह से कहलाता है, ये लीनियरिटी की वजह से। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो इसको लीनियर रीजन कहते हैं वो कलेक्टर करेक्टरिस्टिक कर्व के रिस्पेक्ट से नहीं कहते, हम इसको ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक कर्व के लिहाज से कहते हैं, जिसपे आउटपुट हाई होता है जब इनपुट लो हो, और इनपुट जब हाई हो जाए तो आउटपुट लो हो जाता है। तो बीच में क्या होगा, ग्राफ हाई से लो की तरफ मूव कर जाएगा लीनियरली। तो ये रीजन हमारा क्या कहलाएगा? एक्टिव रीजन। और इसी का नाम, दूसरा नाम हमने क्या रखा था? लीनियर रीजन। तो इस ग्राफ के रिस्पेक्ट से बात की जाती है। आई बात समझ में? ये रिलेशनशिप लीनियर है और ये दोनों रिलेशनशिप नॉन लीनियर है। ठीक है? ठीक है। तो अब अगर कभी सवाल होता है किसी इंटरव्यू में या कहीं पर, तो आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आप भूले नहीं। और अगर सारे कॉन्सेप्ट भूल गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है भाई। तो भूलना नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। जी बताइए, यहां तक कोई सवाल? Any question? नहीं सर। चलें ठीक है। तो इसके बाद ये हमारी स्लाइड्स खत्म होती हैं। इसके बाद हमने शुरू करने हैं सर्किट्स अपने। तो टाइम है अभी क्या स्टार्ट करने का? एक मिनट है। बोले? नहीं है सर, एक मिनट रहेगा। अच्छा यार, मसला है कि एक सवाल मैंने ए सेक्शन में करवा दिया कंप्लीट, आप पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा। अभी क्लास है आपकी इसके बाद कोई? जी सर। चले फिर रहने देते हैं, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्लाइड सिर्फ दिखा रहा हूँ। हम लोग बीजेटी सर्किट से डीसी से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम डीसी सर्किट्स को एनालाइज करेंगे। तो डीसी सर्किट्स को एनालाइज क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया था कि भाई जब भी आप कोई एम्पलीफायर बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, किसी एसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे होंगे, साइनसॉइडल या किसी एसी सिग्नल को। लेकिन एम्पलीफाई करोगे कैसे, पावर कहाँ से आएगी? वो डीसी देगा। बताई थी ना बात मैंने आपको कि पावर डीसी के लेके आप एसी में ऐड करा देंगे, ऐसे ही होगा ना? हेलो, आवाज आ रही है? तो भाई जब डीसी से पावर आप एसी, डीसी से पावर लेकर आप एसी में कर रहे हो, इसका मतलब पहले आपको डीसी बायस्ड करना पड़ेगा सर्किट को, प्रॉपर बायसिंग, उसके बाद आप एम्पलीफायर बना सकते हो। तो जब भी आप एम्पलीफायर की तरफ जाते हैं तो उससे पहले आपको डीसी सर्किट लाजमी पढ़ने पड़ते हैं, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि डीसी में वर्क ट्रांसिस्टर कैसे करेगा। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बीजेटी सर्किट से डीसी। तो ये पहला सर्किट दिया है, तो टाइम चुके खत्म हो गया है, मैंने सेक्शन ए में ये पूरा सर्किट करवा दिया है।
ठीक है, मैं दोनों वीडियोस जो है ए और बी की वो यूट्यूब पे डाल दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा इस सर्किट को भी। तो अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, समझने की कोशिश करें तो हम इसको फिर सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करके अगले साल की तरफ चल चलेंगे, ठीक है, तो जरा आसानी हो जाएगी आप लोगों, वरना फिर आप पीछे हो जाएंगे सेक्शन ए से। तो आप इसको देख लें, पूरा सवाल मैंने वैसे सॉल्व किया जनरल मेथड के तौर पे, यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। चलिए बस ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं, अगर कोई अटेंडेंस किसी की रह गई तो बता दे, वरना फिर मैं एंड कर रहा हूँ। मेरी रहती है, बाकी जा सकते हैं, मेरी मोरी कोई नहीं करो, नाम बताओ, बल्कि आईडी बताओ, नाम और आईडी दो। 19K0372 नौफिल जी सर। तो नौफिल तुम शुरू में कहाँ थे? सर 10-15 मिनट लेट हो गया था। यार ऑनलाइन में भी लेट हो रहे हो, पहले तो घर से आते हुए लेट होते थे, आप कहाँ से आ रहे थे? सर नहीं सर आंख लग गई। अच्छा चलो ठीक है, सच बोला। और बताओ कोई, बस हो गए सारे, कोई रहता है तो भाई बोल दो। हाँ सर। कौन, नाम बताओ। बाकी लोग जा सकते हैं भाई, क्लास है उनकी अगली, जिनके अटेंडेंस हो गए वो चले हैं। सब हो गए, सब हो गए सर, एंड करें। सब हो गए सर, सब हो गए क्लास। हाँ सर एंड करें। चलो ठीक है, ओके भाई, फिर अल्लाह हाफिज़।